आप स्क्रीन पर इस वक्त एक महिला की तस्वीर देख रहे होंगे। नाम है सूचना सेठ। उम्र 39 साल। बेंगलुरु में माइंडफुल एआई लैब नाम की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ हैं। 6 जनवरी को सूचना सेठ बेंगलुरु से फ्लाइट पकड़ती हैं अपने 4 साल के बेटे के साथ। गोवा के एक होटल में पहुंचती हैं। 8 जनवरी को सूचना होटल से वापस बेंगलुरु के लिए रवाना होती है, फ्लाइट से नहीं, टैक्सी से। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि महिला ने होटल में अपने बेटे के साथ चेक इन किया था, लेकिन चेकआउट के दौरान उसका 4 साल का बेटा उसके साथ नहीं था। ये बात नोट की होटल स्टाफ ने। उन्हें शक हुआ, वो उस कमरे में पहुंचे जहां सूचना 2 दिन से ठहरी हुई थी। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक होटल स्टाफ ने कमरे के फर्श पर खून के धब्बे देखे। उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी दे दी गोवा पुलिस को। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन कर पूछा कि क्या महिला के साथ कोई बच्चा मौजूद है। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया नहीं। फिर खबर आई कि माइंडफुल एआई लैब की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या कर दी है। लेकिन एक माँ ने ऐसा क्यों किया और उसके बच्चे के पोस्टमार्टम में क्या पता चला? शुरुआत करते मामले के लेटेस्ट अपडेट से। कर्नाटक पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने टैक्सी में रखे उसके बैग से बच्चे के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसकी रिपोर्ट में पता चला कि बच्चे की हत्या करीब 36 घंटे पहले की गई थी। हत्या गला घूट कर की गई थी, जिसके लिए तकिए या तौलिए का इस्तेमाल किया गया। बच्चे के शरीर पर कहीं भी खून का निशान नहीं है, लेकिन गला घूटने के दबाव से बच्चे के चेहरे की नसें उभर गई हैं। फिलहाल सूचना गोवा पुलिस की कस्टडी में है। इस घटना से पूरा गोवा प्रशासन हिल गया है। सीएम प्रमोद सावंत ने इस मामले से जुड़े अपडेट देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। गोवा के पुलिस एसपी नॉर्थ और हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डे वन से इस केस को फॉलो अप कर रहा है और निश्चित रूप से जो कल्प्रिट थे उस कल्प्रिट को अरेस्ट किया है। हमारे पुलिस ने लास्ट तक इस केस के जाएंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। पीटीआई से बातचीत के दौरान गोवा के कलिंगुट थाने के इंस्पेक्टर परेश नाइक ने बताया कि सूचना सेठ 6 जनवरी को अपने 4 साल के बेटे के साथ 3 दिन के लिए फ्लाइट से बेंगलुरु से गोवा घूमने आई थी। महिला ने अपने बेटे के साथ गोवा के कैंडोलेम इलाके में स्थित सोल बैनियन ग्रैंड होटल में चेक इन किया। 7 जनवरी को सूचना के पूर्व पति ने अपने 4 साल के बेटे से वीडियो कॉल पर बात भी की। इसके अगले दिन यानी 8 जनवरी को महिला ने होटल के कमरे में अपने बेटे की हत्या कर दी। हत्या के बाद सूचना सेठ ने अपने बेटे के शव को बाद में रखा और रात करीब 1 बजे होटल स्टाफ के पास पहुंचकर चेकआउट किया और होटल स्टाफ से कहा कि उसके लिए गोवा से बेंगलुरु तक के लिए टैक्सी बुक कर दें। गोवा से बेंगलुरु के लिए टैक्सी के किराए की कीमत काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए होटल स्टाफ ने सूचना से पूछा कि क्या उसके लिए गोवा से बेंगलुरु की फ़्लाइट बुक कर दें, जिस पर सूचना ने एतराज़ जता दिया, मना कर दिया और टैक्सी से ही जाने की बात पर वड़ गई। करीब 30,000 रुपये में गोवा से बेंगलुरु के लिए टैक्सी बुक की गई। सूचना के होटल से जाने के बाद स्टाफ को उस पर शक हुआ क्योंकि सूचना के साथ उसका बेटा नहीं था। जब सफाई के लिए कर्मचारी होटल के कमरे में पहुंचे तो वहां उन्होंने फर्श पर खून देखा, जिसके बाद गोवा पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। गोवा पुलिस ने टैक्सी के ड्राइवर से फ़ोन पर पूछा क्या महिला के साथ उसका बेटा मौजूद है। ड्राइवर ने जवाब दिया नहीं। फिर पुलिस ने सूचना को फ़ोन कर उसके बेटे के बारे में पूछताछ की। सूचना ने पुलिस को कहा कि उसने अपने बेटे को गोवा के ही मरमगांव में रहने वाली अपने दोस्त के पास छोड़ा है। सूचना ने पुलिस को जगह का एड्रेस भी बताया। जब पुलिस उस एड्रेस पर जाँच करने के लिए पहुँची तो पता चला ये एड्रेस फेक है। फिर गोवा पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर को फोन कर कहा कि सूचना सेठ को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचे। इस पर ड्राइवर महिला को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आयमंगला पुलिस स्टेशन पहुंच गया। गाड़ी रोककर ड्राइवर ने वहां के पुलिसकर्मियों की गोवा पुलिस से बात कराई। गोवा पुलिस ने महिला के सामान की तलाशी लेने को कहा। इसके बाद कार में रखे बैग की तलाशी के दौरान उससे बच्चे की लाश मिली तो पुलिस ने सूचना सेठ को गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही गोवा पुलिस ने वहां पहुंचकर सूचना सेठ की ट्रांजिट रिमांड ले ली और उसे लेकर गोवा आ गई। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आयमंगला पुलिस स्टेशन में, तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहां पे अरेस्ट किया, वहां पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। प्राइमा फेसी जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज़ नॉट गुड। इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। गोवा पुलिस के मुताबिक पूछताछ में सूचना ने बताया कि बेटी की हत्या करने के बाद वो अपना हाथ काटकर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन फिर मन बदल गया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले
के बारे में महिला के पूर्व पति और बच्चे के पिता वेंकट रमन को भी जानकारी दी। वेंकट रमन फिलहाल इंडोनेशिया में रह रहा है। 9 जनवरी को जब ये खबर सामने आई तो ज़्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हत्या के आरोपी सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन 2020 से ही अलग रह रहे हैं। सूचना बच्चे को अपने साथ रखती थी। वेंकट रमन हर संडे अपने बेटे से मिलने आते थे, उसके साथ समय गुजारते थे, लेकिन सूचना को वेंकट का उसके बेटे से मिलना पसंद नहीं था, इस वजह से उसने अपने बेटे की हत्या कर दी। ये मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है। लेकिन किसी को भी बात हजम नहीं हो रही कि अगर सूचना अपने पति को पसंद नहीं करती थी तो उसने अपने बेटे की हत्या क्यों की। पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह जो भी रही हो, लेकिन इसमें एक 4 साल के मासूम बच्चे का क्या कसूर था? क्या AI कंपनी की CEO सूचना सेठ मानसिक रूप से बीमार है या हत्या की वजह कुछ और है? इसके बारे में पुलिस जांच कर रही है। जो भी अपडेट आएगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं हमारे साथी आयुष। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव, देखते रहिए दी ललिता। बहुत बहुत शुक्रिया।